11 अक्टूबर को सेंट कोलंबा गर्ल्स हाई स्कूल की 700 से अधिक युवा लड़कियों ने खादी महोत्सव 2023 के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। खादी को प्रमोट करने के लिए रैली निकाली गई। यह रैली अगस्त क्रांति मैदान से महात्मा गांधी जी के मुंबई मुख्यालय मणि भवन होते हुए स्कूल में आकर खत्म हुआ, जिसमें अंडर प्रिविलेज समाज के उत्थान के लिए काम करने वाली गो ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन ने खादी ग्राम उद्योग आयोग के साथ साझेदारी में इस अभियान का आयोजन किया। इस मौके पर केवीआईसी के डायरेक्टर योगेश भामारे, सेंट कोलंबा स्कूल की हेड मिस्ट्रेस शुभदा केदारी, HWARFNGO की फाउंडर क्रिस्टीन स्वामीनाथन, राइजन स्वामीनाथन स्कूल की टीचर सहित कई मान्यवर इस मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने खादी के सांस्कृतिक महत्व और विरासत पर प्रकाश डालने वाली एक प्रदर्शनी की, जिसमें छात्रों ने इस उल्लेखनीय कपड़े के पीछे के इतिहास, भूगोल और विज्ञान का प्रदर्शन किया। इसके अलावा उन्होंने चरखे के उपयोग का प्रदर्शन किया, जो एक प्रतिष्ठित चरखा है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पता चले कि खादी कैसे बनता है, और खादी बनने के बाद में जो खरीदने वाला भी जो कस्टमर है वो आगे का हमारा वही है। सो इसलिए दोनों ऑब्जेक्टिव से, और हर साल ये 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ही किया जाए। देखिए, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, और नेचुरली इसमें बेनिफिट इसलिए होगा क्योंकि देखिए जैसे आज मैं अपनी खादी यात्रा निकाली तो मैं कई लोगों के चेहरे देख रहा था, मतलब कुछ लेडीज जेंट्स जो भी गाड़ी से जा रहे थे वो तो प्लैकार्ड सब देख रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत, खादी खरीदो, ये सब कार्ड देख के एक कहीं ना कहीं होते कि खादी इट्स नॉट हम लोग हमेशा करते खादी ये कपड़ा नहीं है, वस्त्र नहीं है, ये विचार है। खादी सिर्फ मतलब खादी से हमारी इमोशंस जुड़ी हुई, तो नेचुरली हर कोई खादी खरीदना चाहता है, पर कहाँ मिलेगी, कौन मेरे को सस्ता अच्छे अफोर्डेबल दामों में मिलेगी क्या, ये सब चीज़ उनके मन में भी होती है। बट इसको ही कहाँ मिलेगी, कहाँ कैसे मिलेगी, ये सब चर्चा के माध्यम से लोगों को पता करने के लिए, और एक क्विज कॉम्पिटिशन इसीलिए रखा है कि अगर मुझे बॉम्बे में खादी खरीदने कहाँ पर मिले। सो ये सब चीज़ें बेसिकली खादी का प्रोडक्शन और प्रमोशन बढ़ाने के लिए। कृष्ण जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपका NGO खास करके इससे जुड़ा हुआ है, किस तरीके का सपोर्ट खादी को आप लोग दे रहे हैं, उसका सपोर्ट किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ प्रिंसिपल मैडम के लिए, उन्होंने इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, एंड आई थिंक ये एक आत्मनिर्भर है हमारे सबके लिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन डायरेक्टर जी को भी मुझे थैंक्स बोला है, क्योंकि उनकी वजह से हम ये अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन HWARF है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, और मुझे ऐसे लग रहा है कि खादी के लिए हम लोग मतलब जो अवेयरनेस करेंगे, बिकॉज ये अपने नेशनल फैब्रिक है और हम हमारा कल्चर भूलना नहीं चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी के सहयोग से पूरी वर्ल्ड में अपनी मतलब पूर्ति नाम हो चुका इंडिया का, और हम फिर भी पीछे रह जाएंगे ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने 2 अक्टूबर से जो कैंपेन के बारे में आइडिया डिस्क्लोज किया खादी ग्राम विलेज इंडस्ट्री कमीशन के, तो हमें ऐसा लगा कि काफ़ी सारे स्कूल हैं हमारे साथ, हम स्किल डेवलपमेंट करते हैं, और जो हमारे यूथ है उनको भी इम्पोर्टेंस पता चलना चाहिए। मैं खुद भी खादी पहन रही हूँ, मुझे इतना कम्फर्टेबल फील हो रहा है, मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा है कि मैं मतलब एक ऐसे एटमॉस्फेयर में हूँ जहाँ इतनी समर में भी हम पहन सकते हैं वैसे। तो आई थिंक दिस अवेयरनेस कैंपेन जो चलेगा 2nd से 31st अक्टूबर तक, हम मैक्सिमम लोगों तक मैसेज पहुँचाएंगे, जहाँ पर क्विज है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ खादी फैब्रिक के बारे में, प्लस काफ़ी सारे स्कूल्स हैं जो स्पेसिफिकली खादी पहनते हैं, बट वी आर नॉट अवेयर अबाउट दिस कि खादी यूनिफॉर्म है। आई थिंक एवरी स्कूल शुड गेट अ खादी यूनिफॉर्म, उससे बेटर ये भी होगा स्किन डिजीज नहीं होंगे, और काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, और जैसे लोकल टू लोकल प्रमोट खादी एंड खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, सो दिस हैज टू बी देयर। और हमारे माध्यम से मैडम के आज हमारा जो फर्स्ट कैंपेन है यहाँ से हम बिगेन कर रहे हैं, हमारे पास ऐसे ऑलरेडी 15 स्कूल एंड कॉलेजेस हैं, तो वो सारे लोग मतलब कंटिन्यू ये करने वाले हैं, और इस आपकी मतलब सपोर्ट से मैं चाहती हूँ कि
ये कैंपेन को और अवेयरनेस जाए ताकि मीडिया जितनी अवेयरनेस अच्छी पॉजिटिव पहुँचाई है, तो आई थिंक दिस विल बी अ वेरी गुड इम्पैक्ट अबाउट खादी। हमें हमारे फैब्रिक को भूलना नहीं चाहिए, इट्स अ नेचुरल फैब्रिक और सभी ने इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। वी शुड स्टॉप एंड वी शुड स्टार्ट अवर प्रोडक्शन और इंडिया का और नाम आगे बढ़ना चाहिए। मैम, स्कूल के बच्चों के बारे में जानना चाहेंगे, क्या क्या प्रोग्राम आप लोगों ने अब तक यहाँ पर किया है? जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया कि अभी तो रैली से शुरुआत हुई है एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि शुरुआत ये स्कूल से जो हुई है, ये स्पेशली गर्ल्स स्कूल है, तो जो लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खादी का सेल्स है आपको अभी के बाद ज़्यादा लड़कियाँ जो फैशन करती है दे विल बी बिकॉज बॉयज आर विद शर्ट्स एंड कुर्ताज बट फॉर श्योर। And you girls, we just want to hear from you, isn't it? Are you going to wear khadi? Yes. So, jo ladkiya hai, they have been promoting. So, this is like, word to, it's going to be an advertisement in itself. Aur hum log quiz bhi rakhenge, hume yahan pe, you can say display bhi rakha hai khadi ke products. So that we make our children aware that we get this. This is completely Indian and this is what we want our children to be aware and also use it to know the comfort because Mumbai is a humid hai, so we want our children to be aware of it. Drawing competitions bhi hone wale, slogans bhi hai, aur main aapko dikhana chahungi aaj jo hamare bachcho ne pehna tha, aaj jo dress tha, anyone child can, I can get anyone child. Aur पेपर बैग्स जो किए थे उन्होंने खाली पहनाया। आई विल बी एबल टू शो यू दैट द चिल्ड्रन वर वेयरिंग कुर्ता पैजामा, दे वर वेयरिंग ऑफ कोर्स दे हैड गांधी टोपी एज वेल एज द कैप्स व्हिच वर गिवन टू अस। आल्सो दे वर स्लोगन्स दैट दे वर सेइंग एंड दे हैड मेड पेपर बैग्स बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, दे वर आल्सो स्लोगन्स देयर। आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी अ डे ऑफ रिमेम्बरेंस because along with the quiz we are going to have various competitions. This is I think almost 12 to 13 jo bataya hai, drawing hoga, recitation hoga isme. Along with that we got to know more about the politicians as well, so yes, these are the stars, they were the attraction of the rally. So when they wear this they studied the role, कि मैं क्या बनने जा रही हूँ, तो इस प्रकार से हमने बच्चों को अवेयरनेस तो लाया है खादी का, एट द सेम टाइम दे हैव ऑल्सो लर्न मोर अबाउट द पॉलिटिशियंस हु आर वेयरिंग दिस। सो प्लीज नो इट इज नॉट ओनली फॉर अ हायर क्लास बट अ कॉमन मैन कैन ऑल्सो यूज खादी। अभी जो लाइन अप में स्कूल है तो दे 100 ईयर स्कूल है, जो एस पी आर जैन कन्याशाला, देन मखीजा स्कूल गांधीगिरी, निर्मल विद्यालय स्कूल गणेश नगर वडाला, देन शिशु वन स्कूल मटुंगा, एम पी भुट्टा स्कूल सायर, सोमैया स्कूल घटकोपर और आई ए एस इन दादर। तो ऑलमोस्ट ये कैंपेन अभी यहाँ से ड्रॉ होगा और बीएनएम कॉलेज मटुंगा जहाँ पे हमारा हैंडलूम का कोर्सेज भी चलते हैं, तो ये शुरुआत है और इस कैंपेन में हम लोग सक्सेस लाना चाहते हैं एंड आपकी मीडिया के द्वारा आई थिंक दिस विल बी आप लिए। थैंक यू सो मच। आई वुड आल्सो लाइक टू शो यू दिस इज व्हाट आवर चिल्ड्रन हैव मेड। यस होने भाई आप लोग एक एक हाथ में लिख दीजिए। सो दिस आर द राइट हो गया ना? राइट हो गया ना? थोड़ा पीछे आएगा तो ये हमारे जी।